ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्टडी पोजीशन टाइम ग्राफ ठीक है पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ जो होता है उसको हम स्टडी करेंगे आज ठीक है फर्स्ट है इसमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए ठीक है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जिसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट होती है ठीक है ना जैसे कि यहाँ पर पहले टेन मीटर्स हुए उसके बाद इन दोनों के बीच कितना गैप है टेन मीटर्स आगे टेन मीटर्स नेक्स्ट में टेन नेक्स्ट में टेन तो ये कैसा है यूनिफॉर्म मोशन है ठीक है तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ जस्ट एन एग्जाम्पल है ठीक है अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ठीक है ना तो जीरो सेकेंड्स पे आपका कितना है टेन मीटर्स वन सेकेंड पे आपका आ गया ट्वेंटी मीटर्स टू सेकेंड्स पे आ गया थर्टी मीटर्स थ्री सेकेंड्स पर आया फोर्टी मीटर्स एंड फोर सेकेंड पर आया फिफ्टी मीटर्स राइट अब इन सारी लाइंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे मिलती है एक स्ट्रेट लाइन ठीक है ना तो ये क्या हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और इसको और क्या बोलते हैं पीटी ग्राफ ठीक है graph, ना कैसा होगा ये स्ट्रेट लाइन पोजिशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इनक्लाइंट यानी कि एक एंगल पर होगी ये कैसा है एक एंगल पर है टाइम एक्सिस के साथ ठीक है वो एंगल कैसे जानेंगे हम हम क्या करते हैं टाइम एक्सिस की पैर एक और यहां पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल पैरलर ठीक है तो ये जो एंगल होगा उसे हम क्या कहते हैं थीटा और इसी एंगल को और क्या बोलते हैं स्लोप ठीक है तो अगर आपको स्लोप ऑफ दी ग्राफ चाहिए तो आपको क्या निकालना है थीटा और ये थीटा निकालने के लिए हम प्रेफर करते हैं टैन थीटा टैंजन थीटा बिकॉज टैन थीटा की हेल्प से मोस्ट एक्यूरेट एंगल आपको मिल जाता है ठीक है तो हम टैन थीटा निकालेंगे इसमें तो कैसे निकलेगा टेंटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ किसी एक पॉइंट से सपोज इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी मैंने ठीक है तो ये आपका राइट एंगल ट्रा एंगल बन गया है ना अब इसमें टेन थीटा आप निकाल सकते हो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये आपका परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला प्रपेंडिकुलर हो गया ठीक है और ये हमने लिया था फोर्टी मीटर्स की अराउंड ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं इसको पहले फॉर्मूला बेस कर लेते हैं तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ठीक है ना और जब आप करोगे बेस बेस क्या है आपका ये ये क्या हो गया टाइम ठीक है ना तो स्लोप जो है वो आपको क्या मिल रहा है डिस्टेंस ओवर टाइम एक छोटी सी प्रॉब्लम थीटा नहीं टेन थीटा होता है हमारा स्लोप ठीक है ना क्या होता है स्लोप टेन थीटा किसको कहते हैं स्लोप टेन थीटा ओके डिस्टेंस ओवर टाइम डिस्टेंस कितना था हमारे पास फोर्टी मीटर्स और उसके लिए हमारा टाइम कितना आया था ये थ्री सेकेंड्स तो आपका यहाँ पे टेन थीटा बनेगा फोर्टी बाय थ्री स्लोप कितना आया फोर्टी बाय थ्री ठीक है कैलकुलेट करने का मतलब नहीं था हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए था तो स्लोप हमारा क्या आया डिस्टेंस ओवर टाइम ठीक है डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है हमने पहले भी किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है ना क्या बनता है वेलोसिटी राइट तो वेलोसिटी और स्पीड अगर डिस्टेंस है तो स्पीड सिंपल और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको क्वेश्चन में तो क्या बन जाएगा वो विलासिटी तो मैं यहाँ दोनों लिख देती हूँ विलासिटी और स्पीड इज इक्वल टू दी स्लोप ऑफ दी पीटी ग्राफ ठीक है तो पी टी ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या हुई कि हम इससे वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ